हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, ये चैनल जो कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने अपने घर पे होंगे तो आपका स्टडी नहीं हो पाता होगा, आपको स्टडी करने में दिक्कतें होती होंगी। तो इसीलिए हम लोगों ने, यानी कि हमारे जो मुकेश सर हैं, उन्होंने स्टडी प्लस टू को खास करके आप लोगों के लिए इस चैनल का निर्माण किया है, जो कि इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे, जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे वो फिजिक्स, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, बायो हो। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश का भी क्लास दिया जाएगा दोनों बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और यह वीडियो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है और यह हमारा आज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको सिलेबस बताएंगे कि क्लास 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्लास 12 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में हमें जो जो चीजें बायो में पढ़नी है उस चीजें के बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो क्लास 12 में जो हमें बायो में पढ़ना है, जीव विज्ञान में पढ़ना है, वो 5 इकाई पढ़ना है। जी हाँ, 5 इकाई। 5 इकाई आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लास 12th में हम लोग 5 इकाई पढ़ेंगे। जो हमारा प्रथम इकाई होगा उसमें 4 अध्याय होगा। जो द्वितीय इकाई होगा इसमें 3 अध्याय है, और जो तृतीय इकाई है इसमें 3 अध्याय है, और जो चौथा इकाई है इसमें 2 अध्याय, और पांचवें इकाई में 4 अध्याय है। अगर हम पूरे चैप्टर यानी पूरे अध्याय की बात करें तो आपको पूरा 16 चैप्टर यानी 16 चैप्टर पढ़ना है क्लास 12th के हिंदी बायोलॉजी में। हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी इतना ही चैप्टर पढ़ना है। तो ये वीडियो खास करके क्लास 12th के बायो के बच्चों के लिए है और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान में अगर हम इकाई की बात करें तो हमने आपको बताया इसमें हम 5 इकाई पढ़ेंगे। जो हमारा प्रथम इकाई है जिसे हम कहते हैं प्रजनन, प्रजनन या जनन, आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सेम है, प्रजनन या जनन। अगर हम प्रजनन की बात करें तो इस प्रजनन इकाई में हम लोग मुख्यतः 4 अध्याय के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो हमारा प्रथम अध्याय होगा, प्रथम जो हमारा चैप्टर होगा, पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम है जीवों में वर्गीकरण। कहने का मतलब कि जीव, जो जीव है वो जीव में कैसे जनन होता है, जीवों में जनन के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। जीवधारियों में जनन भी आप इसको बोल सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। जो दूसरा चैप्टर हमारा होगा, जो दूसरा अध्याय होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्पी पौधों में जनन। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग पहले अध्याय में पढ़ेंगे कि जीवधारियों में जनन कैसे होता है, जिसमें हम आपको लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जीवन अवधि क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं वो हम आपको बताएंगे, लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं होती हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि बेस है, आपका आधार है। अगर आप प्रथम अध्याय पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम द्वितीय अध्याय की बात करें तो द्वितीय अध्याय में हमें पढ़ना है पुष्पी पौधों में जनन। तो पुष्पी पौधों कहने का मतलब ये है कि पौधों में कैसे जनन होता है। तो पौधों का जो मेन भाग होता है, जो जनन भाग होता है, जिसे पुष्प कहते हैं, तो पुष्प के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर पौधों में कैसे जनन होता है, पौधों में निषेचन पूर्व घटना कैसी होती है, निषेचन घटना, निषेचन पश्य घटना, इसमें हम आपको परागण के बारे में बताएंगे। जी हाँ, परागण के बारे में। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, तृतीय अध्ययन की बात करें, अध्याय की बात करें, तो मानव जनन, मानव जनन यानी कि मानव में कैसे जनन होता है,
और मानव जनन के बाद हम लोग जो चौथा जो हमारा अध्याय है, जो फोर्थ हमारा चैप्टर है इसमें जो, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है प्रथम अध्याय प्रथम इकाई का, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन कौन से ऐसे आपको मेथड है जिसके कारण आप जो जनन है उस पे पाबंदी लगा सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग प्रथम इकाई में पढ़ेंगे। चलिए अब हम द्वितीय इकाई पे आते हैं, दूसरा इकाई पे आते हैं, यूनिट सेकंड पे आते हैं। तो यूनिट सेकंड में हमको अनुवांशिकी के बारे में जानना है, अनुवांशिकी संबंधित जैसे कहते हैं वंशानुगति के बारे में हम लोग जानेंगे, वंशानुगति क्या होता है, क्या क्या इसके वंशानुगति के नियम ने दिए थे, मेंडल जो थे वो मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, तो मेंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल के तीन नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारा इसका दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके आधार है, कहने का बेसिक मॉलिकुलर क्या क्या है, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुवांशिकी में हम लोग तीन चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम लोग अगर तृतीय इकाई की बात करें, यानी कि तीसरे इकाई की बात करें, तो तीसरे इकाई में हमें जो पढ़ना है उसका नाम है कि मानव कल्याण। अब मानव कल्याण क्या है, अगर हम मानव कल्याण की बात करें तो मानव कल्याण से संबंधित आप क्या समझते हैं, वेलफेयर बोलते हैं। जैसे देखिए हमारे इंडिया में भी वेलफेयर डिपार्टमेंट चलता है, प्रत्येक स्टेट में हर स्टेट अपना अपना जन कल्याण विभाग चलाता है। कल्याण कहने का मतलब कि लोगों के प्रति किसी भी चीज को करना, कहने का मतलब कि वेलफेयर का काम करना, जिससे मानव हित में काम हो उसे हम कल्याण कहते हैं। तो मानव कल्याण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मानव स्वास्थ्य एवं बीमारियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मानव स्वास्थ्य क्या है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा इसका परिभाषा क्या है, उसके बाद मानव स्वास्थ्य के बाद हम लोग उसकी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, तो ये तृतीय अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, तृतीय अध्याय यानी कि ये तृतीय अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य क्या होता है, और मानव स्वास्थ्य संबंधित हम लोग सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव स्वास्थ्य क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, कैसे हम अपने मानव स्वास्थ्य को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो हमारा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कैसे फूड को जो खाद्य संरचना कैसे किया जाए, खाद्य को कैसे संरचित किया जाए, सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्याय तृतीय में पढ़ेंगे। अगर हम चौथे अध्याय की बात करें तो चौथे अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। ये जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है उसका हम, उसके बारे में हम लोग उसकी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे इसके पहले चैप्टर में। अगर दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो इसके कार्य क्या है, कहां कहां इसका उपयोग अनुसंधान में कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा अध्याय द्वितीय है यानी कि जो अनुवांशिकी है इसी से मिलता जुलता चैप्टर हमारा चैप्टर जो है हमारा यूनिट है यानी कि जो इकाई है चौथा है। तो जब हम लोग दूसरा इकाई पढ़ेंगे तो उससे तुरंत बाद हम लोग चौथा इकाई पढ़ेंगे, उसके बाद हम तीसरा इकाई पढ़ेंगे, फिर पांचवा इकाई पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम दूसरा इकाई पढ़ेंगे ना तो दूसरे इकाई में हमको पूरा बेस कंप्लीट हो जाएगा, डीएनए आरएनए हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो फिर जब हम लोग चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर बेस होगा वो द्वितीय अध्याय से यानी द्वितीय इकाई से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, यह हमारा जेनेटिक्स से ही रिलेटेड होगा, इसीलिए हम लोग द्वितीय इकाई पढ़ने के बाद हम लोग चौथा इकाई पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग तृतीय इकाई, फिर हम लोग पांचवा इकाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं पांचवे इकाई की जो कि हमारा अंतिम इकाई है, तो इस इकाई में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए अब इसमें हम लोग पारिस्थितिकी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, परितंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारा वातावरण है वो कैसे प्रदूषित हो जाता है,
ठीक है, मृदा प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, हम लोग इसको कैसे बचाएं, ठीक है, फिर जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे बचाएं, फिर क्या क्या ऐसे वातावरण में चीज है जो हमें प्रदूषित कर रहे हैं, उनको कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इकाई पांचवें में बात करेंगे, जो कि हमारा आखिरी इकाई होगा। दोस्तों यहाँ पे जो ये पांचों इकाई है, इकाई प्रथम से लेकर के इकाई पांचवें तक का, अगर हम लोग मार्क्स की बात करें कि हमारे ट्वेल्थ में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जो 70 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपका थ्योरी पेपर होता है, यानी इसी पांचों इकाई से आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। बाकी जो 30 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो कि आपके कॉलेज में होता है, ठीक है। तो इन 70 नंबर के प्रिपरेशन के लिए आपको एक एक चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है, और आप ज्यादातर जो फोकस है, कहने का मतलब कि ज्यादातर जो मार्क्स वाला चैप्टर है, जो मार्क्स वाला इकाई है, वो द्वितीय इकाई है, ठीक है। द्वितीय इकाई को हमको अच्छे से पढ़ना है, हम ऐसे तो हमने सारे चैप्टर सारे इकाई को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन द्वितीय इकाई को हम लोग ज्यादा अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। कहने का मतलब अगर आप इसको अच्छे तरीके से, बेस अगर आपका मजबूत होगा, तो जब हम लोग चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कत कहीं पे भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। बाकी हम लोग सारे अध्ययन को पढ़ेंगे, सारे अध्याय को भी अच्छे से पढ़ेंगे, सारे इकाइयों को अच्छे से अध्ययन करेंगे एक एक कर करके। तो इस वीडियो में हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया, बायोलॉजी का आपको सिलेबस बता दिया कि हमें ट्वेल्थ में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग अगले वीडियो से एक एक कर करके आपके लिए लाएंगे। जैसे प्रथम इकाई हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इस प्रथम इकाई में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीवधारियों में जनन। यह हमारा पहला अध्याय होगा। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि जीवधारियों में जनन कैसे होता है, कितने प्रकार के जनन होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए जो कि लॉकडाउन की स्थिति में अपना उनका स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।